प्रेगनेंसी एक औरत के जीवन का सबसे स्पेशल और सबसे सेंसिटिव समय होता है। इस समय हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी में ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे कि आप भूल कर भी इन चीजों को न खाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग हेल्दी। मैं हूं ऋचा शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन चीजों के बारे में जो प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 7 चीजें जिनसे प्रेगनेंसी में दूर रहना चाहिए। नंबर 1, पपीता। हालांकि पपीता एक फायदेमंद फल है, पर प्रेगनेंसी में इसे नहीं खाना चाहिए। कच्चे और आधे पके पपीते में लैटेक्स नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है। इस केमिकल से जल्दी यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जिससे मिसकैरेज भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में पका हुआ पपीता भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो आप पपीते को अपनी खाने की लिस्ट से आउट कर दीजिए। नंबर 2, बैंगन। आयुर्वेद के हिसाब से प्रेगनेंसी में बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है कि बैंगन खाने से प्रेग्नेंट लेडीज को एसिडिटी की समस्या हो सकती है, क्योंकि बैंगन का नेचर एसिडिक होता है। बैंगन खाने से उन्हें घबराहट और बेचैनी हो सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में आप बैंगन से दूर ही रहें तो अच्छा है। नंबर 3, कच्चे स्प्राउट्स। मेडिकल साइंस के अनुसार कच्चे स्प्राउट्स के बीज में बैक्टीरिया हो सकता है, जो प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ये अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी तरह के कच्चे स्प्राउट्स जैसे मूंग दाल के स्प्राउट्स ना खाएं। स्प्राउट्स को आप अच्छी तरह से उबालकर या पकाकर खा सकते हैं। नंबर 4, कैफीन। प्रेगनेंसी के समय बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीना प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हेल्दी नहीं होता है। चाय और कॉफी में कैफीन होता है और मेडिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा कैफीन पीने से ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। कैफीन हमारे शरीर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और यही कारण है कि ये प्लेसेंटा और आपके बेबी तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। और क्योंकि अनबॉर्न बेबीज में कैफीन को मेटाबोलाइज करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए कैफीन का बिल्डअप होने लगता है। बहुत ज्यादा कैफीन इंटेक से आपके बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है और बच्चा अंडरवेट भी हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और चाय कॉफी पीते भी हैं, तो दिन में 2 से 3 कप से ज्यादा न पिएं। नंबर 5, जंक फूड और मसालेदार तला भुना खाना। आयुर्वेद के हिसाब से प्रेगनेंसी में हल्का खाना खाना चाहिए। बाहर के अनहेल्दी जंक फूड में इतनी कैलोरीज होती हैं कि इससे न सिर्फ आपका वेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बल्कि डायबिटीज और बहुत सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। हालांकि बहुत सी लेडीज का प्रेगनेंसी में तला भुना और चटपटा खाने का मन करता है, पर आपको ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। प्रेगनेंसी में अच्छा रहेगा अगर आप घर का सिंपल, हल्का, वेजिटेरियन और पौष्टिक खाना खाएं। नंबर 6, बिना धुली सब्जियां और फल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सब्जियों और फलों में बहुत से बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स होते हैं, और प्रेगनेंसी के समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम गलती से भी बिना धोए कोई भी सब्जी या फल ना खाएं। ये बैक्टीरिया माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी कम होना और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्फेक्शंस के रिस्क को कम करने के लिए फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर, साफ करके और छील कर खाएं। अगर दूध पिए तो इसे साफ बर्तन में उबालकर ठंडा करके ही पिए। इसके अलावा जब भी आप कुछ खाएं तो हाथ धोकर ही खाएं। नंबर 7, शराब। प्रेग्नेंट लेडीज को शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। थोड़ी सी भी शराब बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है।
शराब पीने से बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट्स हो सकते हैं और ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आप शराब या सिगरेट पीते भी हैं, तो प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि इस तरह की चीजें आपके बच्चे के लिए बहुत ही अनसेफ और रिस्की हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी में आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से अपने डाइट प्लान को अच्छी तरीके से सेट करें। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और फिट बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।